कैसे नौकर हो तुम? इस घर का गुलाम तुम्हारा बाप था, तुम्हारा दादा था इस घर का गुलाम। तुम्हें क्या हुआ, नमक खालिस नहीं मिला क्या कि शमीर का इतना बड़ा राज तुमने मुझसे छुपाया? मैं भी वही हूं सरकार। और शामिर साहब तो आपकी ही औलाद है। और उनका राज तो मैं कभी अपने आप को भी नहीं बताता। मैं आपसे ये नहीं कहने आया कि आप मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दें। उससे पहले आप मुझे मार डालो। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। क्या बात है, बुझी बुझी से लग रही हो? नहीं तो? अच्छा, और अगर मैं कहूँ ऐसा है तो? चलो, आज मैं तुम्हें मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन बताता हूँ। हाँ, यानी रोमांस के साथ साथ इमोशंस में भी दिमाग चलता यस। मेरे अम्मा अब्बा ना आपस में बात नहीं किया करते थे। उनकी बुझी हुई आंखें और खामोशी अक्सर बहुत कुछ कह जाया करती थी। उनके रिश्ते से मैंने एक चीज सीखी कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की आंखों को पढ़ना, एक दूसरे की खामोशी को समझना एक दूसरे पे वाजिब होता है। आपके बीच में रोमांस जितना भी अच्छा हो, अगर ये चीज़ नहीं है ना, सारे इमोशंस बिगड़ जाते हैं। सो इसलिए एक्टिंग मत करो, मुझे बताओ क्या बुरा लगा? कुछ नहीं, बस पापा को मिस कर रही हूँ। इतनी सी बात। चलो चलते मिलने उनसे। तुम कहाँ? तुम वहां जाओगी, मुझे मिस करोगी, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सिंपल। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, पापा से बात करनी है। इतना टाइम तुम्हारे घर फजल बख्श बन के मैं रहता रहा, तब मसला नहीं था, अब मसले हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैं नहीं जाती। नहीं चले जाओ यार, कोई बात नहीं, चले जाओ, मैं तुम्हें रात में पिक करता हूँ। नहीं, अब मैं इस वक्त जाऊंगी तो रात में थोड़ी आऊंगी, कल आऊंगी। कल? नहीं नहीं इम्पॉसिबल नहीं यार, सॉरी। एक दिन के लिए 24 घंटा मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉरी, आई कांट। शामिर, नहीं अच्छा चलो ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, सफदर कर देगा मुझे ड्रॉप। तुम ड्रॉप करने जाओगे ना, रास्ते में इतनी बातें करोगे पता नहीं कब पहुंच जाओ। ठीक है, सही है। चाय अच्छी है, तुमने बनाई? हाँ ऐसे ऐसा ही समझो।